अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? आज मैं आपको आपकी मैथ की बुक एक्सरसाइज 2 जो हमारा कोर्स चल रहा है ऑक्सफोर्ड की बुक है उसका एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 करने जा रहा हूँ। आप बुक ओपन करके रखें, देखिए उसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 वो कह रहे हैं कि आप इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल कर दें। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास ये नंबर है 0.008222649। आपने इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल गया। तो सबसे पहले प्रोसीजर ये है कि 0.008222649 यहाँ से ऐसे पूरी एक लाइन लगाएंगे, यहाँ से इतना गैप देकर यहाँ लाइन लगाएंगे। अब आप इनके पेयर बनाएंगे, ये देखें लास्ट साइड से शुरू करेंगे आप, यहाँ से ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये कैप आ गया। अब सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारे पास कैप वाले को सॉल्व करना होता है। कैप ज़ीरो है तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, ये ज़ीरो ऐड करेंगे, यहाँ भी ज़ीरो आएगा, यहाँ ज़ीरो। अब यहाँ पर पॉइंट आ गया, अब इस पॉइंट को पहले ऊपर लगा देंगे, दोनों ज़ीरो को उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखें आपके पास फिर ज़ीरो आ गया है, तो ये ज़ीरो से ही जाएगा, ये ज़ीरो हो गया, फिर ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा इसके नीचे, ऐसे कर लेंगे तो ये ज़ीरो ज़ीरो ही बनता है। तो उसके बाद आपने ये वाला पेयर उतारना है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि आपके पास फर्स्ट नंबर ये आया है, ये तो आपके पास आ गए, इसको आपने एक ही सेम नंबर से करना है। अब सेम नंबर कौन सा होना चाहिए आपके पास, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें ये पूरे का पूरा आ रहा है, यानी कि 6 6 के साथ, 5 5 के साथ, 4 4 के साथ, तो ये 9 9 81, तो ये इस तरह आ रहा है। यहाँ 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, और यहाँ भी हम 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 81 81, सॉरी, तो यहाँ 1 बच जाएगा, ये माइनस करेंगे, 81 से 1 आया। अब यहाँ से देखें ये हमारा फिनिश हो गया, ये आएगा कैरी, 9 प्लस 9 इज़ 18, इसको ऐड करेंगे। अब यहाँ से ये पेयर उतरेगा 26। अब एक चीज़ हमें देखने में आ रही है कि अगर इसके आगे मैं 1 भी लगाता हूँ तो ये 180 हो जाएगा या 126 है। ये छोटा नंबर है, ये बड़ा, इससे डिवाइड नहीं होगा। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे हमारे पास रूल है कि मज़ीद पेयर उतारने के लिए एक ज़ीरो ऊपर लगाएंगे और एक पेयर उतार लेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम पे ज़ीरो लगाते हैं, ये पेयर आता है तो यहाँ ये ज़ीरो लगा, यहाँ भी ज़ीरो लगेगा, ये नहीं कि खाली वहाँ ज़ीरो लगा दें या ना लगाएं। अब आपने देखना है कि इसके आगे कौन सा नंबर आए कि यहाँ 9 आए। एक पहली बात तो ये है कि ये 18 है, इसको अगर हम 20 कंसिडर करते हैं तो यहाँ 12 है, 126, तो 20 है या 126 है। तो अगर हम 8 2 16 करें ज़्यादा हो जाता है, 7 2 14 करें ज़्यादा हो जाता है, और 6 2 12। अब 12 के बाद नंबर हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम 12 करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। तो हम एक नंबर और भी देखना पड़ता है, अगर हम यहाँ पर 6 लगाते हैं, 6 तो इधर भी 6 6 6 6 36, तो आखिर में तुम्हारे 9 आ रहा है। हम देखते हैं 7 से अगर करके देखते हैं, 7 7 49, ये 9 आ जाएगा। तो हम ही करते हैं इसको, यहाँ 7 और 7 ही इसमें ऐड, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1807 को 7 से, 7 7 49, 7 8 56, 7 और 5 12। तो ये देखिए पूरे का पूरा हमारे पास वही आ गया, 1 2 6 4 9, दैट मीन्स 0। सो अब आप कह सकते हैं कि आपका स्क्वायर रूट ऑफ 0.008222649 इज इक्वल टू, ये आंसर है 0.0907। सो इट्स परफेक्ट स्क्वायर इज 0.0907। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको सॉल्व करें, सेम मेथड होगा, कोई चेंजिंग नहीं है। आपका क्वेश्चन पार्ट 3 का, क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 मैंने आपको एक्सरसाइज 2 का करके दिया है। एक्सरसाइज 2
ये ऑक्सफोर्ड की बुक आपकी चल रही है, इसका पेज नंबर 30 पे एक्सरसाइज चल रही है। इसका मैं क्वेश्चन नंबर आपको 2 सॉल्व करके दिया, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 हमने सॉल्व किया है, इससे पहले आपको दूसरे सॉल्व करके दिए थे, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन आपको इसी तरह का सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। मैं इसका 5 किया था, 4 भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 341.1409 इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना। ये सब के हम पॉजिटिव स्क्वायर आप अपनी बुक सामने रखें, उसमें लिखा होगा, तो आप यहाँ देखें, मैं फिर वही लिखूँगा 341.1409। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, टेढ़ी नहीं लगाएंगे, इसको यहाँ से ऐसे लाइन लगा देंगे, पेयर बनाएंगे, ये पेयर, ये पेयर, ये। अब यहाँ पर देखें एक सिंगल बर्गत, इसको कैप लगाएंगे। अब हम इसको 3 को पहले करेंगे तो 1101 ही आएगा और नहीं आएगा। ये 3 स्टेप्स होते हैं, इनको हमें पूरे करने होते हैं। 3-1=2। अब ये 1+1 जो है ये 2 हो गया, ऊपर से पेयर पूरा उतरेगा 41। अब आपके पास ये पेयर तो पूरा हमने उतार लिया, हम इसमें क्या करेंगे कि अब हमारे पास 2 है, मैं इसके आगे अगर 1 भी लगाता हूँ तो 20 हो जाएगा, 21 को 1 से करूँगा 21 है। तो हमें कम से कम ये 2 है, ये 200 बनाना है, तो कम से कम हमारे पास कितना होना चाहिए, तो 7 या 8 के करीब होना चाहिए। तो 8 करके देखते हैं, 30 होगा, 33 आ जाएगा, यानी कि 8 यहाँ पर 8 8 64, 8 2 16 और 6 22, 7 1, तो सही हो गया। अब आपके पास पॉइंट आ गया, लेकिन उससे पहले ये 1 4 उतारेंगे, इसमें पॉइंट यहाँ नहीं उतारते, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा। 8 8 16, 2+1=36, ये हमारे पास बन गया 36। अब हम इसमें देखना है कि हमारे पास यहाँ पर अगर 1 भी लगाते हैं, समझो कि 36 है, तो सपोज़ ये 4 5 से ज़्यादा, हम इसको 400 काउंट कर लेते हैं, 40 या 17 है, तो 4 को अगर 4 4 16 होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हम इसको 4 अगर लेते हैं 16, तो यहाँ पर अगर मैं खाली 4 ले लेता हूँ तो यहाँ से तो हमारे पास ये बन जाएगा 300 सपोज़, तो 300 को 4 से अगर मैंने, तो 1200 बनेगा, तो हमें तो 17 चाहिए। इसका मतलब है कि 4 नहीं, कुछ और लगाना पड़ेगा। अगर हम इसके नीचे आगे लगा देते हैं 7 या 8 तक, अगर सपोज 7 लगाते हैं, तो एक हमें यह आ जाएगा 7 7 49, यहाँ भी नहीं आएगा, तो हो सकता है हमारे पास कुछ और बनाना पड़ जाए, तो 14। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको हमने 3 ही नंबर लेके आना है, तो 4 तक करके 4 12 5 करेंगे तो 15 से ऊपर चला जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा, 5 4 करके देगा 4, तो यहाँ 4 से कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन जो है, 364 को 4 से करें 16, ये देख सकते हैं, तो ये तकरीबन 1 4 5 6 आया, 8 5, और यहाँ रह गया 6 4 2, ठीक है, ये 8 हो गया, 6 3, अब ऊपर से पेयर आएगा 0 9, ठीक है। अब हम को नेक देखना है कि आखिर में 9 आए, यहाँ पे हमारे पास 368 है, यानी कि 300 है, और यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए एक नंबर आएगा तो ये 3000 बन जाएगा, यहाँ पे 25000 है, ऐसा ही है ना, 25000 यहाँ बन जाएगा, एक भी नंबर आएगा तो 3000 बन जाएगा, तो ये ज़्यादा है। तो अगर 8 3 24 करते हैं तो बहुत आगे नंबर भी आ जाएंगे, तो 7 से करके देखते हैं, और 7 से अगर हम करते हैं तो 7 7 49, तो 9 भी आ सकता है, तो हम इसको ट्राई करते हैं, 7
यहाँ सेवन, यहाँ सेवन, तो 3, 6, 8, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7, 7 आर 49, 56 और 4, 60, 42 and 6 48, 20, 25 2, 5, 8 तो ये देखो पूरे का पूरा आ गया हमारे पास 2, 5, 8, 0, 9 इससे। तो दैट मीन कि अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका जो स्क्वायर रूट ऑफ 341.1409 इसका रूट का आपके पास क्या आंसर आया, 18.47 ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह आप कैलकुलेशन करेंगे या फिर साथ में करेंगे, कॉपी पे पूरा ट्रांसफ़र करेंगे, आपको पूरे मसले किसी चीज़ का नहीं आना चाहिए, सारी सोल्यूशन निकालेंगे। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया हो, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास मौजूद है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन कंप्लीट चाहिए। अब आपके टेस्ट भी ऐसे ही होंगे इंशाल्लाह, हम आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देंगे, जो हमारे पास एक टाइम फ्रेम है, हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, आपको पूरा बताया जाएगा किस तरीके से आपके टेस्ट होंगे, आपके कैसे हम पेपर लेंगे। तो हो सकता है स्कूल बुला के टेस्ट लें या आपका मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको जो दिए जा रहे हैं इंशाल्लाह इसका टेस्ट ज़रूर होगा, फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट होगा। आप फुल तैयारी करें, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, दुआओं में शामिल रखें। मज़ीद आपके पास क्वेश्चन अगर आने हैं, आपको चाहिए, आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आए, जो कोई सोल्यूशन आए, वो आपके पास पहले पहुंच जाए और आप उनको कॉपी कर लें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।